ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सी मेडिसिन किस काम आती है और किस बीमारी में इसका यूज किया जाता है। और आपको यह जानना भी बहुत ज़रूरी है, आपको कई बार ये मेडिसिन लेनी पड़ सकती है या फिर आपको किसी और पेशेंट को देनी पड़ सकती है, इसीलिए आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है। और मेडिसिन के लास्ट में कुछ वर्ड होते हैं, उसके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि यह किस क्लास से बिलोंग करती है या फिर किस बीमारी में इसका यूज किया जाता है। उन वर्ड्स को हम सफिक्स बोलते हैं, यानी मेडिसिन के लास्ट में कुछ वर्ड होते हैं जिसको हम सफिक्स बोलते हैं, हिंदी में उसको बोलते हैं प्रत्यय, जिसके द्वारा हम मेडिसिन को जान सकते हैं कि ये किस क्लास से बिलोंग करती है और किस बीमारी में इसका यूज किया जाता है, यानी इसका उपयोग किया जाता है। आइए सबसे पहले हम एंटीबायोटिक के बारे में डिस्कस करते हैं। एंटीबायोटिक के लास्ट में माइसिन वर्ड यूज किया जाता है, यानी सफिक्स माइसिन लगता है, यानी इसका उपयोग हम किसी इन्फेक्शन को ट्रीट करने में करते हैं। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं, एजिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन कुछ इसके एग्जांपल है जो इन्फेक्शन को ट्रीट करते हैं। केन सफिक्स लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स के लिए यूज होता है, यानी लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स से किसी पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन को सुन करने में इसका उपयोग होता है, यानी इसका यूज होता है। इसके एग्जांपल है जाइलोकेन, बेंजोकेन, एमाइलोकेन, लिडोकेन, ये कुछ इसके एग्जांपल हैं। जाइलोकेन इंजेक्शन का यूज ऑपरेशन के टाइम किसी पर्टिकुलर पार्ट को सुन करने में किया जाता है। और लिडोकेन एक ये टॉपिकल एनेस्थीसिया है। माइड और जाइट सफिक्स हम डाई यूरेटिक्स के लिए यूज करते हैं। डाई यूरेटिक्स वो ड्रग्स होती है जो हमारे यूरिन के निर्माण को बढ़ा देती है और बॉडी से एडिमा को कम करती है, और इसका यूज हम हाइपरटेंशन में भी करते हैं। और कुछ एग्जांपल देखते हैं डाई यूरेटिक्स के, फ्लूसेमाइड जिसको हम लेसिक्स इंजेक्शन के नाम से भी जानते हैं, बूमेटानिड, बेंज थायाजाइड, क्लोरोथायाजाइड, ये एग्जाम्पल है डाई यूरेटिक। अपना अगला सफिक्स है ओलोल, ये बीटा ब्लॉकर्स होते हैं जिसका उपयोग हम हाइपरटेंशन में और हार्ट अटैक में करते हैं। आइए इसके कुछ एग्जांपल है, मेटाप्रोलोल, एटेनोलोल, ओस्मोलोल, बिसोप्रोलोल, इन सभी का यूज हम हार्ट से रिलेटेड डिजीज में करते हैं। अगला सफिक्स हमारा सोन है जो स्टीरोइड के लिए यूज में होता है। स्टेरॉइड का उपयोग हम बॉडी में इंफ्लेमेशन को कम करने के लिए करते हैं और इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट भी होते हैं, इसीलिए हमको बिना डॉक्टर की परमिशन के दवाई से नहीं लेना चाहिए। आइए इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं, बेटामेथासोन, कोर्टिसोन, डेक्सामेथासोन। अगला सफिक्स है वीद जो एंटीवायरल के लिए यूज में होता है, यानी कोई वायरल इन्फेक्शन हो उसको ट्रीट करने के लिए हम एंटीवायरल ड्रग्स का यूज़ करते हैं। एग्जांपल्स है एसाइक्लोवीर, रोटानावीर, इंडिनावीर। अगला सफिक्स है पाम जो एंटी एंजाइटी के लिए यूज होता है। एंटी एंजाइटी ड्रग्स वो ड्रग्स होती है जिसका उपयोग हम बेचैनी और घबराहट को ट्रीट करने के लिए करते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं डाइजीपाम, लोराजीपाम। अगला सफिक्स है स्टेटिन, एंटी हाइपरलिपिडेमिक्स ड्रग्स के लिए ये सफिक्स यूज होता है और इस ड्रग्स का यूज हम बॉडी में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने में करते हैं और उससे होने वाली बीमारियों को ट्रीट करते हैं। इसके कुछ एग्जांपल है अटोरवास्टेटिन, सिमोवास्टेटिन, लोवास्टेटिन, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें, और आशा है कि आपको यह कंटेंट पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।